नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। तालिबान का थर्ड डिग्री, अगर आज तालिबान में आप तस्वीरें देखेंगे तो तालिबान का आतंक जो है वो बरकरार है। अफगानिस्तानी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं का प्रदर्शन लगातार देखा जा सकता है, लेकिन तालिबान इसे कबूल नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उसने सभी को आजादी से काम करने देने का वादा किया था और साथ ही महिलाओं को भी काम करने की छूट देने की बात कही। लेकिन अब जब तालिबानी कब्जे को कुछ वक्त हो गया है, तब तालिबान की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगा है। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, किसी के घर पर हमला किया जा रहा है और किसी को सिर्फ काम से इसलिए वापस लौटा दिया जा रहा है क्योंकि वो महिला है। अफगानिस्तान के पत्रकारों ने तालिबानी शासन की पोल खोल कर रख दी है। अफगानिस्तान के रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान के सहार नारासी के मुताबिक कुछ दिनों में तालिबान की कथनी और करनी में फर्क एक बार फिर से दिखने लगेगा। तालिबानी लड़ाकों ने सहार का कैमरा तोड़ दिया, उसके साथी को जमकर पीटा। ये सब काबुल में हुआ जब दोनों एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में तालिबान द्वारा अलग अलग हिस्सों में अफगानी पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर पर रेड डाली जा रही है। अफगानिस्तान के एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने उनके करीब 18 महिला रिपोर्टर्स को घर से काम करने के लिए कहा। जब तक नई सरकार के नियम तय नहीं हो जाते, अफगानिस्तान के मशहूर न्यूज प्रेजेंटेशन शबनम दावरा को भी उनकी नौकरी से हटा दिया गया है और उनकी वीडियो भी सामने आए थे क्योंकि अब महिला एंकर्स के लिए काम करना मुश्किल है। बता दें कि तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो किसी को काम करने से नहीं रोकेगा, लेकिन मीडिया को इस्लामिक नियमों के मुताबिक ही काम करना होगा। तालिबान द्वारा बीते दिनों से ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं उनकी सरकार में शामिल हो सकती हैं, लेकिन इस वादे से इतर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तालिबानियों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। तालिबान के अत्याचार के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर भी उतरना शुरू हो गई हैं, जिनकी तस्वीरें लगातार कल से ही सामने आ रही है। अब लगातार ऐलाने जंग कर दिया गया है, महिलाएं पुरुष जो हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उतर चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जबरन इन नियमों को नहीं मानेंगे, अगर हमारे ऊपर ये नियम थोपे जाएंगे हम आवाज उठाएंगे। कुछ दिनों पहले अफगानी जो है वो डर रहे थे, डरते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से महिलाओं ने दिलेरी दिखाई है, महिलाएं आगे आई हैं, उससे कहीं ना कहीं अफगान के लोगों को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली है और इसी कड़ी में अब जो है तस्वीरें अलग अलग नजर आ रही है। अब तालिबान की जो दहशत है उसके खिलाफ आवाज उठा दी गई है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तब उसने सभी को आजादी से काम करने का वादा किया था। प्रफुल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। प्रफुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो प्रफुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको तालिबान की ताजा हकीकत क्या है उससे रूबरू करा रहे हैं। जब तालिबानी कब्जे को कुछ वक्त हो गया है, अब तालिबान की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगा है। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में पत्रकारों को पीटा जा रहा है, जबरन उनके घर पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जा रहा है। जो महिलाएं एंकर्स हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि वो घर से ही काम करेंगी, वो ऑफिस नहीं जाएंगी, उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है क्योंकि वो महिला है। अफगानिस्तान के पत्रकारों ने तालिबानी शासन की पोल खोल कर रख दी है। अफगानिस्तान के रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तानी के सहार नारसी के मुताबिक कुछ दिनों में तालिबान के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगेगा। इसके तमाम उदाहरण जो है वीडियो के जरिए लगातार तमाम जो मीडिया है वो आपको दिखा रहा है और हम भी इसी कड़ी में आपको वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने सहार का कैमरा तोड़ दिया, उसके साथी के साथ मारपिटाई की और इसके अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो ये दिखा रही है कि वाकई तालिबान की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है।
डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रफुल्ल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से मुझे नहीं सुनाई दे रही है। तो प्रफुल्ल जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क साधेंगे क्योंकि जानना जरूरी है कि आखिर तालिबान में जो हो रहा है और तालिबानी जो लड़ाके हैं वो जिस तरह से हिमाकत कर रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, पुरुषों पर अत्याचार कर रहे हैं, मासूम बच्चियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाए, किस तरह के यहाँ पर अब उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन दिनों अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, किस तरह से अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्टर का कैमरा तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, साथ ही साथ जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, जो सलून्स हैं, उन पर काले पेंट कर दिए गए हैं और जो महिलाएं की तस्वीरें लगी हुई थी उन तस्वीरों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। इसके अलावा जो पुरुष हैं जिन्होंने बाल छोटे रखे हैं, दाढ़ी नहीं बना रखी है, उनको पूरी तरह से उन पर अत्याचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वाकई तालिबान जो कह रहा है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान कुछ और कहता है, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान कुछ और कहता है, अब आगे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और कितनी बार तालिबान क्या कुछ कहेगा इस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तानियों को खुद से अपनी रक्षा अब करनी होगी, आवाज़ उठानी होगी, जिस तरह से महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं और अब सीधे तौर पर वो निकल पड़ी हैं। एक बार फिर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। प्रफुल्ल जी, जो अफगानिस्तान में हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, तालिबान क्या कर रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है, तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये शायद मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल, ये सबको पता है कि तालिबान जो काम कर रहा है वो अपने हित में कर रहा है और तालिबान की एक पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका ने उसको बताया, बनाया था, पाला था, पाकिस्तान ने पाला है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, सारे इस्लामिक देश सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और वो हमने उसको क्या पहचानने में देर करी वो दूसरी बात है। तो वो तो अपना होगा, जो जो उसकी पॉलिसी कहती है औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, वो तो कर रहा है जी। जो तो उसकी टीचिंग ये है, बचपन से उसको ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो वही 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 एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, नई बात क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन ये है, हमने क्या किया? हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, हमने अफगानिस्तान में इतना उथल पुथल देखा था 20 साल से, पीओके को लेके तैयार रहना चाहिए था, हमारी फौजें इंटरवीन कर पाई क्योंकि पीओके हमारे हाथ में नहीं है, बाकी चाइना के हाथ में है, हम सिर्फ दुनिया को बोलते रहे कि ठीक है तालिबान क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तालिबान वो कर रहा है जो सारे इस्लामिक देश उसको कह रहे हैं करने को, जो रेडिकल इस्लामिक देश है। हमको इस समय ओआईसी से पूछना चाहिए, शंघाई कॉपरेशन से पूछना चाहिए कि आप तालिबान का कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा। अगर सारे ये इस्लामिक देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो भगवान भी उसको नहीं रोक सकता। तो सवाल ये सिंपल है जी बख्शी जी, अपने आप पर धूल नहीं झोंकना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा बख्शी जी। एक और सवाल ये है कि अफगानिस्तान के संबंध कई देशों से बहुत अच्छे रहे हैं, जब तालिबान का खात्मा वहां हो गया था, लेकिन एक बार फिर से तालिबान जो है वापसी कर चुका है, बहुत अच्छे देशों से संबंध रहे, तो वो देश खुलकर क्यों अफगानिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्यों वहां के अफगानी जो हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें नहीं बचाया जा रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या तालिबान से डर रहे हैं देश? बिल्कुल, वो नहीं चाहते कि वो अपनी फौज, अमेरिका क्यों छोड़ के एक चला गया? अमेरिका ने बिल्कुल अफगानिस्तान की फौज को बोला आप शांतिपूर्ण जो तालिबान बढ़ रहा है आप उसके साथ में संधि वार्ता करिए, तो कि अमेरिकन चुपचाप निकल जाए जी। और इसीलिए अगर अगर अमेरिका अगर अफगान की फौज को वो कहता कि तुम पूरी लड़ाई लड़ो तो अमेरिका को भी वही रहना पड़ता,
उनकी लड़ाई के दौरान वो नहीं निकल सकता था। तो ये सारा का सारा लोग करे और दो दूसरे की आग में क्यों अपना हाथ जो कोई झोंके, तो सारी के सारी लेकिन आग लगाई हुई तो अमेरिका की है बख्शी जी, आग लगाई हुई तो पूरी अमेरिका की है। अब अमेरिका आग क्यों नहीं बुझा रहा है, क्यों पीछे हट रहा है? ये अमेरिका के हित में नहीं है, हमें फॉरेन पॉलिसी समझनी चाहिए। लोग फॉरेन पॉलिसी में अच्छा बुरा भला बड़ा पाप पुण्य नहीं देखते, वो हमारे कंट्री के हित में क्या है। इस समय प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर फोर्स पड़ा हुआ है, उसके लोग कह रहे हैं कि फौज को बाहर निकालो, उसके हित में है, वो वोट लेना चाहता है, प्रेसिडेंट में रहना चाहता है, वो उसका वो उसकी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है तालिबान से। ये हमारे को भूल जाना चाहिए, हमारे को तो गीता का पाठ याद होना चाहिए, अपनी ड्यूटी करिए देश के खिलाफ प्रति, बाकी को भूल जाइए। हमें इस समय हमको ये देखना है भारत के हित में क्या है, अमेरिका अपने हित में देख रहा है, सब चाइना अपने हित में देख के वहां बैठा हुआ है। हम सबको अपने अपने जो हित में देख रहे हैं, हमारे को अपना हित पहले डिफाइन करना चाहिए कि भारत हित क्या है। बख्शी जी, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि भारत को आगे क्या कदम उठाने जरूरी है। अभी तो फिलहाल जो वायुसेना के विमान हैं वो जा रहे हैं, जो भारतीय वहां फंसे हुए थे नागरिक उनको वापस लाया जा रहा है, आगे अब भारत की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, सबसे पहले है भारत को अपने डायस्पोरा जाने की, भारत के मूल के लोग सिख हिंदू और बुद्धिस्ट जो भी हैं सबको सेफली बाहर निकालना पड़ेगा, ये प्रायोरिटी नंबर वन है। ठीक है, उसके बाद में हमारे को ये पता है ना, हमारी डॉक्ट्रिन तो को ये पता होना चाहिए पॉलिसी को कि क्या हम मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं, नहीं। कोई कंट्री हमारे के साथ में साथ देने को तैयार है, नहीं। अमेरिका तक छोड़ के चला गया है, इस समय चाइना और पाकिस्तान जो वहां बैठे हैं वो हमारे हित के खिलाफ है। हमको इस तरीके से चाल चलनी चाहिए कि चाइना और अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बन रही है तालिबान की, वो हमारे खिलाफ ना हो, और इसलिए हम उनके साथ में ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम वगैरह इस सब की चर्चा करें, रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट इत्यादि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं ताकि अफगान मूल के लोगों को एटलीस्ट कोई सहूलियत मिल सके, तो हमारा जो मान सम्मान इससे बढ़ेगा। आप सिर्फ तलवार खटखटाने से नहीं हो सकता, जो तलवार हिलाने का टाइम था तो हमने हिला ही नहीं। तो क्वेश्चन है, अब हमको ह्यूमैनिटेरियन टास्क करने होंगे और अपनी जो हमने समावेश किया है $4 बिलियन का, उसको बचाना होगा, ये हमारे को करना है। और जब हम ये करेंगे, चाइना हमारे खिलाफ है, वो तो चाहता है हमारे सारा समावेश को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डैम वगैरह को, और वो भी पाकिस्तान चाहता है, पर इस समय हमको ग्रेट ब्रिटेन और कंट्रीज के साथ मिलके ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम मिलके उनकी अफगान की मदद करनी होगी, ताकि और या फिर पूरी कंट्रीज डिसाइड करती है कि मिलिट्री एक्शन लेना है, तो फिर मिलिट्री एक्शन लेने के लिए आपको बलोच और जो पंचशीर के जो लोग हैं उनको साथ में मिला के मिलिट्री अभियान शुरू करना होगा। अमेरिकन अपनी बॉम्बिंग शुरू कर सकते हैं अगर चाहें, तो फिर ये वो दोबारा इराक जैसी लड़ाई होगी। सारी फोर्सेज आ रही हैं, नेवी के साथ आ रही हैं, फिर वही बात होगी, क्या लोग तैयार हैं इसके लिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होंगे। तो आपके पास ह्यूमैनिटेरियन एड गुडविल ही एक रास्ता रह गया है। बिल्कुल, हाँ, डिप्लोमेटिकली आप अप्रोच करिए ओआईसी कंट्रीज को और जो जो और इस्लामिक नेशंस हैं उनको करिए कि आपका रवैया क्या है, आप क्या सोचते हैं अफगानिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में जो अब तालिबान के हाथ में है, क्या बिल्कुल बख्शी जी, यानी आपकी आपकी जो सारी बातें हैं इससे ये समझ में आता है कि भारत को अब स्मार्टली आगे कदम उठाने चाहिए। अब हमें उठाने चाहिए और अपनी नीति क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने कश्मीर में अपना पूरी की पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट पक्के करने चाहिए, और हमारी जो कमजोरियां हैं कश्मीर में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक के अंदर होना चाहिए, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह सब एक कमांड के अंदर में होनी चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि तालिबान अब वहां पे आना शुरू करेगा, अगर हमारे से खुश ना हुआ पाकिस्तान के साथ मिलके वहां शुरू करेगा काम अपना, और जितने 17-18 बिल्कुल आगे मुश्किलें भारत के लिए बढ़ सकती हैं अगर ऐसा होता है। बख्शी जी बिल्कुल सही कहा आपने और पूरी तरीके से अच्छे से समझाया, ये भी सारी चीजें समझ में आ गई हैं, आगे भारत क्या कदम उठा सकता है, क्या कदम उठाने चाहिए, डिफेंस एक्सपर्ट लगातार ये बता रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें बताई प्रफुल्ल जी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, किस तरह से आगे भारत को कदम उठाने चाहिए, भारत को किस तरह से दूसरे देशों के साथ मिलकर जो
अफगान के नागरिक हैं उनके लिए आगे की राह आसान करनी चाहिए, ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अफगान के लिए जो अफगानिस्तान की धरती है वो कितनी वफादार साबित होगी ये देखना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज करते ही वहां अफरा तफरी और डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ने पर उतारू हो चुके हैं। हालांकि तालिबान के शीर्ष नेता लोगों और मीडिया को बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये महज उनका दिखावा ही साबित हो रहा है और वो लगातार पत्रकारों को बंदूकों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक अमेरिकी न्यूज चैनल की महिला रिपोर्टर कलरीसा वार्ड जब अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर रिपोर्टिंग कर रही थी तो वहां तालिबानी लड़ाके पहुंच गए और उनकी टीम को रोकने की कोशिश करने लगे। कुछ तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने ना सिर्फ उनसे बात करने से इनकार कर दिया बल्कि रिपोर्टर और उनके क्रू को भी शूट करने से रोकने की कोशिश की। जब महिला रिपोर्टर नहीं मानी तो तालिबानी लड़ाके उसे डराने धमकाने की कोशिश करने लगे और हथियार उठा लिया। इसके बाद अमेरिकी रिपोर्टर को रिपोर्टिंग छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इसकी मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि महिला रिपोर्टर अमेरिकी थी और अफगानों के काबुल के हवाई अड्डे तक पहुंचने की कोशिश में आने वाली बाधाओं पर रिपोर्टिंग कर रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिजाब पहना हुआ है, बुरका पहना हुआ है पूरी तरीके से। इस रिपोर्ट में महिला पत्रकार बता रही थी कि कैसे तालिबान लड़ाके गोलियों और हिंसा के साथ एयरपोर्ट पहुंचने के सभी रास्तों को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से तालिबान के कुछ लड़ाके महिला रिपोर्टर से नाराज थे। महिला रिपोर्टर ने चैनल से बातचीत में बताया कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हालात कितने खराब हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि काबुल में हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि वहां से जैसे तैसे जिस भी देश के नागरिक है वो देश अपने नागरिकों को वापस बुला ले। लेकिन मीडिया की आज़ादी पूरी तरह से वह खत्म हो चुकी है। अमेरिकी रिपोर्टर वहां पहुंची, उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया, बंदूकों उन पर तांदी, इसके बाद उन्हें वहां से अपनी टीम के साथ भागना ही पड़ा। हालांकि उन्होंने पूरे नियम कायदे अपनाए हुए थे, बुरखा पहना हुआ था और हिजाब बांधा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाके नहीं माने। तो तालिबान का कहर लगातार बरकरार है। तालिबानी लड़ाकों की पत्रकारों से बदसलूकी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले भी तमाम जो वीडियोज़ हैं वो सामने आए हैं, किस तरह से हर एक धरती के इंच पर, अफगानिस्तान की जो धरती है उसके एक एक इंच पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए डिप्टी एडिटर काविंद्र चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काविंद्र, अगर मीडिया की मैं बात करूं तो मीडिया हर एक देश का ऐसा एक स्तंभ होता है जो कि पूरी तरह से मजबूत होता है। देश में क्या चल रहा है उनके वो दिखाना मीडिया का काम है, लेकिन अगर मीडिया को ताले में बंद कर दिया जाए, महिला एंकर्स को ये कह दिया जाए कि वो बाहर नहीं आएंगी, ऑफिस नहीं पहुंचेंगी, जो रिपोर्टिंग वहाँ पर पुरुष कर रहे हैं, जो पुरुष पत्रकार हैं उन पर गोली दाग दी जाए, AK-47 रख दी जाए, उनके साथियों पर हमला कर दिया जाए, तो उस देश का क्या हो सकता है। बिल्कुल काजोल, सबसे पहले तो इस बात के साथ शुरू करता हूँ कि एक खौफजदा जो पत्रकार होता है किसी भी देश की बात को, अगर वहाँ पत्रकार खौफजदा है तो वहाँ का समाज कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि एक खौफजदा पत्रकार जो है काजोल वो मरा हुआ समाज पैदा करता बिल्कुल है। तो यहाँ भी स्थिति यही है, जैसे कि तालिबान जो है मुखौटा लगाकर रखता है, किसी के सामने कुछ रखता है और अपने लोगों के सामने कुछ रहता है। आपको बता दें कि तालिबान ने थोड़े दिनों पहले ही कहा है कि वहां पर जो संसद होगी उसके लिए भी एप्लीकेशंस जो है वो महिलाओं से भी ली जाएंगी। लेकिन स्थिति क्या है जमीन पर, स्थिति ये है कि वहां पत्रकार जो है अगर पुरुष हैं उनका कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनको गोलियों से दबाया जाता है, ठीक है, उन पर फायरिंग की भी घटनाएं सामने आती हैं। और महिलाएं, आपको बता दूं कि पहले CNN की जो रिपोर्टर थी उनको बुर्का पहनकर रिपोर्टिंग करने पर मजबूर किया गया, वो तब जाकर वहां पर रिपोर्टिंग कर पाई है। ये कितना बड़ा सप्रेशन मालूम होता है, किस तरीके से वहां पर लोगों को अप्रेस किया जा रहा है, इन्हीं तस्वीरों से सामने आ जाता है। लेकिन उस बहादुर महिला रिपोर्टर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उसने देश के सामने वो तस्वीरें लेकर आई है वो जो कहीं ना कहीं तालिबानी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही आपको बताऊं कि एक वहां का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है टोलो न्यूज, टोलो न्यूज भी दबा नहीं, टोलो न्यूज ने भी 3 दिन बाद सीधे कहा कि हम महिला पत्रकार जो है उनको सामने लाएंगे, वो टीवी प्रेजेंट करेंगी, न्यूज प्रेजेंट करेंगी वो सामने, लेकिन उनको भी तालिबान ने धमकी दी है। इसके बाद तीसरी जो घटना सामने आई है वो वहां पर एक रेडियो प्रेजेंटर की है,
रेडियो प्रेजेंटर ने सीधे तौर पर सामने आकर कहा है कि उन्हें तालिबान ने एक नोटिस भेजा और कहा है कि भैया आप घर बैठे। तो अगर तालिबान इस तरीके की हरकत भी करना चाहता है और तालिबान दूसरी तरफ अपना गुड फेस भी लाना चाहता है कि देखिए हम गुड बॉय बनकर अब सामने आए हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तालिबान अभी भी क्रूर है, तालिबान का वही चेहरा है जो तालिबान 1.0 की जो बात होती है वही तालिबान है, और तालिबान किस तरीके से वहां पर पत्रकारों को डराकर जनता को कितने हद तक दबाना चाहता है ये इसी चीज से जाहिर हो जाता है। बिल्कुल काविंद्र, और इसके अलावा देखिए ये तो बात हो गई मीडिया की कि किस तरह से मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं उसमें खौफ बना हुआ है और तालिबानी जो है वो खौफ भर रहे हैं मीडिया के अंदर। इसके अलावा कल से कुछ तस्वीरें जो हैं काविंद्र वो सामने आ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो खुलकर प्रदर्शन कर रही हैं तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ और अब उस संख्या में पुरुष भी शामिल हो गए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐलान-ए- जंग जो है अफगान के नागरिकों ने शुरू कर दिया है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जितना भी अत्याचार उन पर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए काजोल ये बहुत जल्दी होगी अगर हम इस तरीके की कोई बात कहते हैं, क्योंकि जो एक सामान्य नागरिक है जो प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन सिर्फ वहीं पर संभव है जहां पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है। अब तालिबान की बात करें जो अफगानिस्तान जो है अब वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्कुल नहीं है, वहां पर सिर्फ बंदूक जो है कानून बनाती है। तो जिस देश में बंदूक कानून बनाती हो उस देश में प्रदर्शन जैसी बात करना बेमानी सी लगती है, क्योंकि वहां के नागरिक किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ जिनके हाथ में AK-47 है, जिनका मंत्री भी AK-47 लेकर बैठता है, जिनका शिक्षा जो शिक्षक है वो भी AK-47 लेकर बैठता है, तो उन लोगों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन, ये संभव ही नहीं हो सकता है। बिल्कुल काविंद्र, और कुछ और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई थी और एक पहलू ये भी है कि अगर 23 साल पहले की बात करें तो एक हजारा समुदाय रहता है अफगानिस्तान में, बहुत बड़े पैमाने पर हजारा समुदाय जो है वो तालिबानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बिल्कुल समर्थन तालिबानियों का नहीं करता है और तालिबानी भी हजारा समुदाय के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में वो उनकी जो 12 साल से ऊपर की बच्चियां होती हैं उनको उठा ले जाते हैं, जबरन उनसे शादियां करते हैं, निकाह करते हैं, और जो विधवा होती है जो कि 45 साल की उम्र तक होती है उनको भी वो जबरन उठा कर ले जाते हैं। उनका उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि 23 साल बाद फिर वही स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो वो जो हज़ारा समुदाय है वो किस तरह से वहाँ पर गुजर बसर कर रहा है, वहाँ के लोगों में किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, क्या कुछ ऐसी अपडेट है, क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है? जी बिल्कुल काजोल, देखिए पहले भी मैंने एक बात कही है और आज फिर एक बात बताता हूँ कि किसी भी देश में जब आतंकी या कट्टरपंथ एक मजहब के लोग जो है अगर उस पर पूरा ओवरटेक कर लेते हैं उसको, तो सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ा जो डिजास्टर है वो ये नहीं होता कि वहां वो लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, बड़ा जो डिजास्टर होता है वो ये होता है कि वहां महिलाओं के साथ एक्सट्रीम लेवल का अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि कट्टरपंथ कभी किसी महिला का नहीं हुआ है, कट्टरपंथ हमेशा जो होता है महिलाओं के खिलाफ होता है और ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, सबसे बड़ा। और जैसे कि आपने हजारा समुदाय की बात करी तो इन लोगों के साथ जितना उत्पीड़न इसके द्वारा किया गया है, तालिबान के द्वारा किया गया है, उतना शायद दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया। और आपको बता दूं तालिबान जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक आतंकी संगठन की वो एंटिटी हो या ब्रांच हो, वो खुद में एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है। क्योंकि ISIS की बात करते हैं कि कहीं उससे लिखनी है, लेकिन वो उनके भी खिलाफ है, तो वो खुद में एक ऐसी एंटिटी बन चुका है, खुद में एक ऐसा वो आतंकी संगठन बन चुका है जिससे किसी भी तरीके की मानवाधिकार की बात करना, चाहे वो हजारा समुदाय हो चाहे कोई भी समुदाय हो, तो किसी का भी सगा नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं पुरुषों का सगा है जो उनके लड़ाके हैं, जो उनके लिए बंदूक उठाते हैं, जो उनके लिए मरने मिटने को तैयार है, सिर्फ उनका सगा है वो किसी भी। और एक बातें और निकलकर बार बार सामने आ रही है, कुछ लिबरल्स लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि नहीं इस बार वाला जो तालिबान है वो भारत के लिए थोड़ा अच्छा फेस रखता है, ठीक है, लेकिन ये सब बातें बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि काजोल तालिबान जो है वो एक आतंकी संगठन है, वो अपनी बात से कब पलट जाए, वो कैसे किसी भी तरफ से चाहे अप डाउन राइट लेफ्ट कहीं से भी देखा जाए उसको, वो कहीं से भी रत्ती भर भी उसको पॉजिटिव एंगल से देखा नहीं। बिल्कुल काविंद्र सही कहा आपने, क्योंकि उसकी तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ चीजें जो है बदली हुई नजर आ रही हैं। भारत से अच्छे संबंध की बात कर रहा है, कह रहा है कि जितने भी भारतीय नागरिक वहां रह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में पहले उसे आतंकी संगठन कहा गया है और तालिबानियों को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। ऐसे में भारत विश्वास तालिबानियों पर नहीं कर सकता है। काविंद्र फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अफगानिस्तान में लगातार
तालिबानियों का आतंक जो है वो बरकरार है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम जनता हो, या वो तमाम समुदाय हो, उनके ऊपर जो है वो अत्याचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तालिबानी जो है वो ये जरूर कह रहे हैं कि वो इस बार जो है वो नए सिरे से आगे आए हैं, वो अफगानिस्तान को एक अच्छा देश आगे बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। 21वीं सदी जिसके साथ पूरा दुनिया अगर मैं कहूँ तो चल रही है, उसी के साथ अफगानिस्तान भी चलेगा। लेकिन तालिबान पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेना, क्योंकि अभी तो हस्तांतरण हुए हुए एक हफ्ते का समय नहीं हुआ है, तो ऐसे में विश्वास करना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। और भारत तालिबानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, भारत ने वानिवेश भी किया है, ऐसे में तमाम चीजें आगे निकलकर सामने आ सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।